और अभी हम 10 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे, और फिर जो हमने सुबह से भट्टी की है उसके बहुत सुंदर सुंदर कईयों के अनुभव है, और मुझे टेक्स्ट भी आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो खुद आप लोगों से शेयर करें कि जो आज का हमने एक नया और एक नवीनता से आज जो हमने दिन मनाया वो का उसके अंदर बाबा ने हम आत्माओं को क्या प्राप्तियां कराई, है ना? काफी लोगों के अनुभव है ना, हाथ खड़ा करेंगे जिनको अनुभव सुनाना है, तो हम टाइम का वो ओके 1 2 श्रुति बहन राइट, रक्षा बहन ओके। तो अभी देखो सारा दिन बाबा ने शांति का पाठ पढ़ाया, पालना कराई, अभी सभी परिवार वाले जिन्होंने सुबह से लेके शाम तक भट्टी की है उनकी भट्टी के दिल के उद्गार सुनने का हमें उतना तो उनका हक बनता है राइट, उनको सुनने का उतना तो उनका हक बनता है ना, तो हम बहुत प्यार से परिवार की बातों को सुनेंगे। तो अभी जो ब्रह्मा बाबा परिवार की आपसी लेन देन करते थे, तो हमारे दिन का अंत जो है वो इस प्रकार से हम करेंगे, और मैं भी थोड़ी सी कचहरी करेंगे कि कितनी माया आई, कितने झुटके आए और कितने हमने खुशियां मनाई, है ना? ठीक है, तो चलो हम 10 मिनट के लिए पहले बाबा को याद करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कल आपका वर्किंग डे है सभी का, और हाँ भले आपको सोना है तो आप जा सकते हैं, और वर्किंग डे है तो ईस्ट कोस्ट वालों के लिए बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए पहले ईस्ट कोस्ट वालों को हम चांस देंगे। बहुत बाबा के प्यार की और स्नेह की याद में हम सभी बैठे हैं, बाबा ने कितनी सुंदर सारा दिन हमें पालना दी, बाबा से दृष्टि ले, बाबा को शुक्रिया अदा करें। ये दिन का अंत है और बाबा ने बहुत कुछ दिया है, न सिर्फ आज के दिन लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में जब से बाबा की बनी, जबकि बाबा के साथ का अनुभव किया, बाबा
दिन रात की ये सेवा हम याद करें, इन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते भी वादा निभा रहे हो, ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आ करके मिलते रहना, हमने है सोचा आप सा बन करके ही है रहना, दिल की यही है आरज़ू प्रभु साथ हम रहे, शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। ईस्ट कोस्ट वाले कौन है जिन्हें अनुभव सुनाना है? ईस्ट कोस्ट से हैं और अनुभव सुनाना है। ओम शांति। आज दो दिन से मैं साइलेंस में हूँ, शायद मेरा आवाज अंदर चला। ओके ओके, अच्छा अच्छा। तो आज की पूर्व तैयारी के रूप में मैंने कल से शुरुआत की थी, तो कल से साइलेंस में हूँ और पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या सुनाओ, क्या समझ में नहीं आता। अभी बहुत कुछ एब्जॉर्ब करना है मुझे, लेकिन सच में इतना आह्लादक दिन रहा मेरा। सुबह में अमृत वेला से लेके अभी तक मैंने वैसे फोन का भी साइलेंस रखा है, मैंने फोन आज टच ही नहीं किया, कोई मैसेजेस नहीं, नो फोन कॉल, नथिंग, किसी से बात, बस सिर्फ हमारे परिवार के साथ ही मैं रही हूँ। पूरे दिन में कोई ख्याल व्यर्थ तो कुछ पता नहीं, व्यर्थ क्या है वो ही पता नहीं है, मतलब सारे दिन जिस तरह से बहनों ने हमें पकड़ के रखा है ना, हमारी लगाम, मतलब सच में ऐसा लगा कि जो हम सुन रहे हैं कि हमारे दादी दीदियों को जो पालना मिली वो ही पालना हमारी बहनें हमें दे रही है,
शिव शक्ति का एग्जाम्पल बनके हमारे सामने हमारी बहने हैं, निमित्त बहने हैं। इतना भाग्यवान समझती हूँ मैं, और बाबा का भोग बनाते बनाते थोड़ी हड़बड़ी में एक रोटी गिर गई मेरे से, तो उस वक्त सबसे पहले मेरे दिल में ख्याल यही आया, बाबा पूरे विश्व में कोई भूखा ना रहे। मतलब कोई कोई ऐसा कुछ हो जाता था ना, तो मेरे दिमाग में हमेशा विश्व लेवल का ही मतलब ख्याल आता था कि बाबा बस आज जो मुझे अनुभूति हो रही है सभी को अनुभूति हो। इतनी शांति, इतनी खुशी, जो अंदर एकदम गुलाब जामुन की तरह चाशनी में बिक गए, वैसा वैसा अनुभव हुआ। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन होपफुली आप सभी महसूस कर रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू निमित बहने, थैंक यू परिवार। बस ऐसे ही हम सभी आगे बढ़े और बढ़ाते रहे सबको। ओम शांति। कोई बात नहीं, आप लिख के भेज देना, हम शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ नीरा बहन, ओम शांति। आज का दिन क्या, तो मैं पहली तारीख से इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये तो पहला हो रहा है, अभी एक साल हुआ नहीं है। लेकिन जब से बुक रीडिंग चालू की है, तो ब्रह्मा बाबा के प्रति का जो प्यार है वो एक डिफरेंट लेवल पे जा रहा है मेरे अंदर, और एक प्यार और रिस्पेक्ट दोनों, कि कितना कितना कुछ सहन किया है बाबा ने, औरों ने जो दादियाँ दी दिया है वो सब, और हाँ वो उन सब की ये जो मेहनत है उसके ऊपर आज इतने एफर्टलेस खड़े रह सकते हैं, तो वो मुझे एहसास होने लगा है। और आज के दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और एक बात ये है कि वैशाली बहन ने मुझे ये सेवा दी है कि अमृत वेला में रोज मुझे सुबह उठ के लॉगिन करना है, तो ये जनवरी महीने से, मतलब कि नया डेकेड चालू हुआ, नया ईयर चालू हुआ और बाबा का मंथ चालू हुआ, मेरी लाइफ एक डिफरेंट लेवल पे चालू होती है रोज सुबह। और काफी घंटे मैं बाबा के साथ रहती हूँ, तो नॉट जस्ट टुडे लेकिन कलेक्टिवली थ्रू आउट दिस मंथ ये एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, और उसके साथ साथ मेरे पूरे बीइंग में ये आ जाता है, तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बाबा के जो आज कभी कभी सुबह उठने में ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सो जाओ, हर रोज के कंपेयर से आज मैं ज्यादा जल्दी उठ गई, क्योंकि मुझे मेरा अमृत वेला भी करना है, उसके बाद सब रूटीन खत्म करके ये चालू करना है, तो आज कोई खिंचावट नहीं, रुकावट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन भोग का जो अनुभव रहा और मुरली जो हमने साकार मुरली जो बाद में पढ़ी, तो जब भी जैसे आधे दिन तक कभी भी ऐसा बोला गया कि अपने लिए वरदान मांगो या टॉक टू बाबा, आंखें लो, दृष्टि मिलाओ, तो भी तभी जो मैं आज कुछ मांगती नहीं थी बाबा से, ऐसे ही बस देखा करती थी, और कभी भी सोचा तो वो सोचा कि मैं बाबा की श्रीमत पे चलूं और श्रेष्ठ आत्मा करूं, और जो भी दो चार वर्ड मेरे दिमाग में आए थे वो ही बाबा ने मुरली में बोले। तो ये एक नया अनुभव आजकल हो रहा है कि जो मैं सोचती हूँ वो या तो बहन बोलती या मुरली में आता है, तो एक वैलिडिटी हो जाती कि मैं जो सोचती हूँ वैसा सही सोच रही हूँ आजकल, तो और खुश मिलता है मुझे। और भोग के समय जैसे वैशाली बहन ने अपना अनुभव बताया कि वो हम सब की थालियाँ हमारे फेस देख रही थी, तो मैं उनको अपने साथ देख रही थी,
और कभी मैंने सुना था जैसे कि मैंने बोला कि पालना जो है हमें मिल रही है, वैशाली है, हेमा है, और सभी सेंटर वाले के दूसरे के भी एफर्ट्स तो होते ही है, तो कमी जरा भी महसूस नहीं होती है। इवन दो इतने डिस्टेंस से है, कभी किसी को पर्सनल देखा नहीं है, फिर भी जो पालना हो रही है एकदम, जैसे कि जैसे दीदियाँ बोलती है कि बाबा कैसे कराते थे उनको माइन्यूटली, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ऐसा ही मुझे तो फील होता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आफ्टर लंच एंड वो टाइम पे मेरा खासा 12 घंटे हो गए थे, तो थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन शाम के सेशन में फिर से आई एम चमकता सितारा। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, मेरी बहुत एक्साइटेड हूँ आगे की जर्नी के लिए। संगीता बेन बोलू छा ओम शांति। हाँ बोलो बेन। टुडे व्हाइल आई वाज कुकिंग एंड व्हेन यू वर प्लेइंग द डिफरेंट सॉन्ग्स, आई फेल्ट लाइक आई एम डांसिंग एंड कुकिंग एंड इट्स जस्ट लाइक आई एम इन मधुबन। And it was completely different experience. And जब अपने भोग लगाने के बाद जो आपने समझाया वो तो ऐसा लगा जैसे कि कभी ऐसा कभी भी सुना नहीं है कि ऐसे भोग लगाते हैं। सो देर वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड पूरा दिन कोई और संकल्प नहीं चला, जैसे कि बहुत ही शून्य स्थिति थी। सो देट वॉज द वेरी सरीन एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल डे लॉन्ग। थैंक यू सो मच सिस्टर्स। थैंक यू बाबा। अभी नेक्स्ट किसे सुनाना है? हाथ ऊपर करो। वीणा बेन मैं ईस्ट कोस्ट वाले को, और ईस्ट कोस्ट वाले आपको अगर किसी को बुरा नहीं लगेगा, वी अंडरस्टैंड, इफ यू हैव टू गो यू कैन गो एंड स्लीप, ओके, डोंट वरी, यू हैव टू सी योर बॉडी। हाँ बोलो वीणा बेन। मेरे को हम सब ब्राह्मण परिवार सबने साथ में अरे स्नेह और सहयोग से योग बैठे के सबको टोली से देना था। अच्छा, आपको वीणा बेन ओ सबके लिए टोली बनाई है। देखो तो ये सब दिखता है कि जो बड़ों से देखते हैं, बाबा ने जो कहा ना कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो दादिया दीदियों ने खिलाना दिखाना है ना। मोहन सिंगल भाई जी ने भी खिलाया और दीदी ने भी टोलिया भर भर के खिलाई, कितने हाँ लोगों के घर से। तो देखो तो ये है प्रैक्टिकल प्रमाण, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख यार और करेंगे, है ना। और बिना बेन कुछ कहना है? बस अब सब सब साथ में बैठे तो हो गया इजीली, पूरा दिन परिवार का भी साथ और आप ब्राह्मण परिवार का भी साथ, सब साथ में थे तो पूरा दिन बाबा के साथ बिताया, मौन रखा और सब सहयोग से पूरा किया। वेरी नाइस बेन, वेरी नाइस। दक्षा बेन आई थिंक सो, ईस्ट कोस्ट इज डन राइट? ईस्ट कोस्ट वाले हो गए आपका? मेरे हाँ जी, थोड़ा क्या बेन? हाँ और बोलूं, एक बात बहुत पता नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो। माया की बात की थी ना आपने, तो पिछले 2-3 दिन से हमारा इंटरनेट वाईफाई वाला बहुत अनस्टेबल होता था, तो मेरा यूजुअल जो मेडिटेशन रूम है उसमें नहीं आ रहा है ठीक से। तो मेरे हस्बैंड ने उनकी ऑफिस में इंटरनेट केबल लगाकर मुझे ऐसा सजा के दे दिया ये सब। तो बाबा का कमाल है ना कि ये
इतना इजी हो गया मेरी चीज। मुझे एक तरह से था कि मुझे बोलना नहीं है बैंक को कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो ये हो गया। और ये कि आज साइलेंस का दिन था, तो वैसे मेरे फोन वोन कुछ नहीं आज किया, लेकिन हस्बैंड के साथ कभी कभी कुछ आदत होती है ना, तो ये खाना ये है वो है ऐसे बोल जाती थी, तो वो मुझे याद दिलाते हैं तेरा साइलेंस डे है आज। और वो अपने बेडरूम में ही बंद कर पूरा दिन रहे, उन्होंने ना तो टीवी चलाया कुछ भी किया, क्योंकि यहाँ कुछ मेरे आवाज ही आए डिस्टर्ब ना हुए। तो बाबा ने लौकिक में भी बहुत सारा सपोर्ट क्रिएट किया है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो आपको आपको पता है कि आपने जो आज कमाई की है ना, उसमें आपका हस्बैंड का शेयर है, ही इज अ शेयर होल्डर। यस, वो मैंने सोच लिया। जो भी घर वाले हैं जिसने आज पुरुषार्थ किया, और आपके घर वालों ने जो सहयोग दिया, तो दे आर डेफिनेटली शेयर होल्डर है, ये याद रखना है ना। तो बिना पुरुषार्थ किए वो शेयर होल्डर है। हाँ दक्षा बहन बोलो। ओम शांति। आज मेरा भी साइलेंस डे है, एवरी मंडे को मैं साइलेंस में रहती हूँ, पर आज का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आज सारा दिन मेरा इतना दिव्य डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, सुबह से लेकर एंड बिटवीन नाइन टू इलेवन का जो मेडिटेशन था, वो तो मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज हुआ है। बाबा की बहुत शक्तियाँ मुझे मिली है, और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 3 बजे उठ सकती हूँ, कि 4 बजे से पहले मेरा उठना बिल्कुल नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। पर आज तो इतनी शक्ति मिली है मुझे, सारा दिन मैं 1 मिनट भी सोई नहीं हूँ, फिर भी इतनी फ्रेश हूँ के बता ही नहीं सकती हूँ कि कहाँ से इतनी शक्ति मिली, तो पता ही नहीं चलता है। एवरी मंडे सोचती हूँ कि साइलेंस में रहना है तो बाबा की याद में रहो, पर घर का कुछ ना कुछ काम थोड़ा तो करते ही रहते हैं। पर आज तो इतना वैशाली बहन ने अच्छा स्केड्यूल दे दिया कि बाबा का भोग भी सुबह में बनाते, बहुत आनंद आया, और सारा दिन आनंद आनंद आनंद। मेरा तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हो गया है आज, कि इतनी शक्ति मुझे कहाँ से मिल गई। 3 बजे तो ऐसा लगा बपोर 3 बजे को तो आफ्टरनून के अब सोना नहीं आता, तो फिर 4 o'clock बाद मेडिटेशन नहीं होगा, पर 4 o'clock तो कहाँ से इतनी शक्ति आ गई पता ही नहीं। तो मैंने तो सारा दिन बाबा की इतनी शक्ति का आज एक्सपीरियंस किया है, और मेरा साइलेंस डे आज तो बहुत अच्छा रहा। तो अब मैंने सोचा है कि ऐसे ही स्केड्यूल मेरे हर मंडे को मैं फॉलो करूंगी। तो थैंक यू वैशाली बहन, हेमा बहन, सुकन्या बहन, रूपाली बहन, चंद्रू बहन, आपके सबसे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है कि सब कुछ नामुमकिन भी मुमकिन होने लगा है। तो थैंक यू ब्राह्मण परिवार, एंड थैंक यू निमित बहन। ओम शांति। ओम शांति। श्रुति बहन मुझसे तो सुबह रहा ही नहीं गया, तो मैंने वैशाली बहन को टेक्स्ट किया था। तो मेरा तो दिन एक्चुअली 3 या 4 चीजें बताती हूँ, जल्दी जल्दी बता दूंगी, सब थके हुए हैं। मेरा तो शायद अनुभव कल से ही शुरू हुआ था, तो लास्ट टाइम भट्टी हुई थी, शायद सबको याद हो या नहीं, बट मैं उस समय बहुत थक गई थी। तो जब अब की बार की भट्टी हुई तो कल शाम को जब हेमा बहन आप बोली थे हर्षा भाई की क्लास के बाद की, वैसे ही बोल के सोना बाबा से कि मैं कर रही हूँ और साथ रहूँ, तो मैं वैसे ही बोल के सोई कि बाबा कल तो पूरा दिन मेरे साथ रहना कि मैं कर पाऊँ। और सुबह उठी उसी तरीके से बनाते हुए सूरज भाई की क्लास सुन रही थी, तो थोड़ी देर ही बैठी सूरज भाई की क्लास में टूवर्ड्स दी एंड, और तभी पहला अनुभव हुआ जो मैंने वैशाली बहन को लिखा था, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया। बट वो था कि उस समय मैं जब भी परमधाम या कुछ भी अगर ऐसे मेडिटेशन हम करते हैं या सूक्ष्म धाम वगैरह जाएं, तो कभी अपने आप को नहीं देखती हूँ। मतलब मैं अनुभव करूंगी बट अपने आप को नहीं। अब की बार पहली बार अपने आप को देखा, और वो भी ऐसा छोटी लड़की तो कभी नहीं देखा, तो आज पहली बार वैसे देखा। और
जैसे मेडिटेशन कमेंट्रीज होती है वैसे ही कि मैं बाबा के हाथ पकड़ के कह रही हूँ कि बस आप चलिए मेरे साथ, दिन भर साथ रहना है। तो कहते हैं अच्छा चलता हूँ, और मैंने पहली बार और खुद ही मैं अपना दिखाती हूँ उन्हें कि देखो मेरा ताज देखिए रंग बिरंगा, और मेरी ड्रेस दिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ देखो मेरी ड्रेस भी सफेद और देखिए मेरा तिलक भी देखिए सब पहनी हूँ। और मतलब मुझे अपने जैसे बचपन के दिन याद आ गए जब मैं वैसे करूँ, और तब उस समय बाद दिस इज अमृत वेला से पहले तो या मुरली से पहले, तो अमृत वेला के उस समय बाबा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कभी उतारना मत ये, मतलब कभी भी क्राउन को उतारना मत। तो और उसके बाद जब वो निकल आए लोग मेडिटेशन उसमें से, फिर दिन शुरू हुआ, फिर तो जब वो मुरली में फिर स्टार्ट ही बाप दादा का उसी से था कि ताज और पोशाक से, तो तब मुझसे रहा नहीं गया कि तो वही बात हुई जो मैं बोल रही जो मैंने अनुभव किया। फिर दिन भर भी मेरे तो अनुभव चलते ही रहे। कभी लगा मतलब खाना बनाते हुए बहुत हल्कापन रहा, जब चार धाम किया तब लगा जैसे झूला झूल रही हूँ कृष्ण के साथ, बिल्कुल राधा के तरीके से उनसे चिपके हुए, तो वैसा भावना। भोग के समय वैशाली बहन आपने वैसा अनुभव किया, मेरा अनुभव था जैसे मैं गई खिलाने और मैं बाबा से ये कहती हूँ बाबा आज तो हम सबने भोग लगाया तो हमेशा न सही मगर एटलीस्ट आज कोई भी भूखा न सोए। तो मैं पूरे भोग के मेडिटेशन के टाइम पर मैं वही फरिश्ता स्वरूप में सब जगह जैसे घूम रही थी पूरी दुनिया में, जैसे प्रसाद बच्चों डालते हुए खाना डालते हुए, और खत्म होने के बाद मेरे आंख में तो आंसू थे कि शायद आज शायद कोई भूखा न सोए आज। फिर दोपहर में लेट कर शाम को उठी हूँ, तो जब हमने शाम का मेडिटेशन किया तो फिर से जब धरती के जैसे था कि हम ऊपर ग्लोब के ऊपर बैठे हैं, तब फिर से मुरली की आवाज जैसे गूंज रही थी कि लोग तनाव में हैं, लोग तनाव में हैं। तो आई नो मेडिटेशन कमेंट्री वन में नहीं था वो, पर मुझे ऐसा हो रहा था कि जैसे जितने लोग तनाव में है आज जैसे वहां जा रही है एनर्जी। तो और ऑफकोर्स तो मैंने तो रियलाइज नहीं किया था कि ये वही नलनी दीदी है जब तक आपका फ्लायर नहीं देखा, फोटोग्राफ नहीं देखी। तो मैं क्या बोलूं, मेरा तो आई मीन अगेन जैसे और लोग कह रहे थे मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ, लास्ट टाइम तो मैं इस समय तक पूरी थक गई थी, बस सोना चाहती थी, इस समय तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जगी हुई हूँ। और क्या बोलूं, थैंक यू, और क्या कहूँ, थैंक यू टू एवरीबॉडी। Very nice. किसी और को सुनाना है? कितनों ने, कितने बैठे हैं संध्या बहन, कितने बैठे हैं जिन्होंने फुल भट्टी की है, नॉन स्टॉप डॉट टू डॉट प्रोग्राम स्केड्यूल फॉलो डॉट टू डॉट नॉट अ सिंगल मिस, कुछ भी मिस नहीं किया, सारे कैमरा चालू करो, हाथ ऊपर करो, डॉट टू डॉट प्रोग्राम फॉलो किया, अपनी मनमर्जी नहीं चलाई, अपना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलाई, अपनी मजबूरियां नहीं चलाई, एकदम आज बाबा की मर्जी चली है। आज सिर्फ बाबा की मर्जी चली, हमारी मनमर्जी नहीं चली। वो कितने गिनती गिनती करो, कितने हाथ है, कितने हाथ है, गिनती गिनती करो, एक बे तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। भरत भाई डॉट टू डॉट प्रोग्राम, डॉट टू डॉट नो फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ हमारी आंखों बदे छे। वेरी वेरी गुड। एंड आपको क्या लगता है, संगमित्रा बहन ने भी डॉट टू डॉट मैंने देखा था वो किचन, और मुझे आई वॉज रियली टच Because I was sitting here, दो घंटा बैठ के खाना बनाते हुए किसी को देखना, उसके लिए मेरे को भी तपस्या लगती है कि नहीं लगती है? Thank you for that. मैं आप सब लगती है कि नहीं लगती है? कि मैं देखती रहूं कि कैसे, लेकिन it was so beautiful. बहुत सुंदर अनुभव था कि आप लोगों को भोजन बनाते हुए देखना, और मैंने कहा था कि वीडियो चालू रखना, भोजन बनाते वक्त मुझे आपको भोजन बनाते देखना है।
मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर उस टाइम में बहुत शोर करती है. नो आई अंडरस्टैंड जिसका प्रॉब्लम नहीं है बात नहीं है. Yeah. तो लेकिन नहीं नहीं आप गिल्टी नहीं फील करो अगर आपने नहीं किया तो दैट्स फाइन जिसकी मजबूरी है दैट्स ओके. लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल जैसे आप कर रहे थे गाना चल रहा था तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं एक एक के घर पे जाके खाना बना रही हूँ. इट वाज वंडरफुल. तो वो आपकी दृष्टि से हम सबको इतना लाइट फील हुआ खाना बनाते हुए. बिल्कुल. हाँ संध्या बहन बोलिए. मैं आप हेमा बहन आपको अनुभूति से मैं बहुत साल से जुड़ी हूँ लेकिन आज का जो अनुभव हुआ उसके लिए सबको धन्यवाद तहे दिल से और सारे इस ब्राह्मण परिवार को कि जिसने इतना सुंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि आज लगा मैं मधुबन में हूँ. थैंक यू सो मच. आपको नहीं लगता है कि जब हम बाबा को कमिटमेंट देते हैं अपने संकल्पों का तो बाबा हमें कुछ अलग ही अनुभव दुनिया में ले जाते हैं होता है ना. तो वो एक बहुत अच्छी बात है जो बाबा ने हमें सिखाई है कि दिल का संकल्प चलाओ. दिल से जो भी करोगे ना अगर बाबा से सच्ची दिल है और ये मेरे जीवन का अनुभव बता दूं सच्ची दिल से डेडिकेटेडली बाबा के साथ रहो दुनिया आपको कुछ भी कहे कुछ भी देखे डजंट मैटर बाबा आपको अनुभव कराएगा. बाबा आपके पास खड़ा रहेगा. बाबा आपके साथ बात करेगा. बाबा आपको इट इज अमेजिंग. हाँ अब जब मैंने कोर्स करवाया था नीरा बहन ज्योति बहन हाँ तो बोलती थी मैं ये सब तो तब फॉरेन लगता था ना ये सब फॉरेन लगता है. Yeah. अब ये फॉरेन लगता है या अपना लगता है. ये फॉरेन नहीं लगता है ना. रीटा बहन आपको सुनाना है. सुना सकती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं रहा कि मैं क्या बोलूँ क्योंकि मैं हमेशा बहुत बात करती हूँ लेकिन मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अल्फाज ढूंढने के लिए. इट्स फनी बट रियली लाइक मे बी आई एम चेंजिंग लिटिल बिट. फ्यू डेज अगो आई थिंक आई टोल्ड वैशाली बहन दैट आई एम थिंकिंग दैट आई एम डूइंग टू मच बिकॉज आई एम अ पर्सन हु डज like everything very seriously and go. I don't look at myself what I need or I need rest, nothing. In my whole life, I have not slept in the daytime. And today, I did take a nap and I felt very peaceful. So I'm thinking that it's like I was not planning to take a nap. When Vaishali Ben said also, I said, I don't take a nap. But then after finishing all my work, I did fall asleep and I felt fresh. And since morning, जैसे मैं 3 बजे उठ के नहा धो के फिर क्लास अटेंड किया और क्लास सुनते सुनते वो गाजर की खीर भी बनवाई. एंड सिंधी लोगों में वो बनाते हैं तो मुझे पता था लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती. तो आज मैंने काफ़ी सालों के बाद बनाई एंड मैंने भी वो ब्रेकफास्ट में खाई थोड़ी सी. एंड आई kind of my taste buds have changed. I liked it. And फिर उसके बाद जो मैंने खाना बनाया उसमें पता नहीं मेरा वीडियो आज बार बार आ रहा था जा रहा था पता नहीं क्यों. देखा आपको मैंने देखा आपको. हाँ नहीं वो आ रहा था जा रहा था बहुत बार तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने चेंज भी किया एक बार आईपैड किया फिर फोन किया तो इट वॉज काइंड ऑफ बट आई डिडंट गेट डिस्टर्ब्ड. एंड खाना भी जो मैंने बनाया सीधा साधा ही बनाया जैसे मैंने आज पहली बार बाजरे की रोटी बनाई और जैसे स्वीट पोटैटो और याम की सब्जी बनाई बीटरूट की सैलेड बनाई और क्या बनाया भूल गई. हाँ मूंग की दाल बनाई मूंग मतलब स्प्राउटेड मूंग की और उसमें आज मैंने कुछ भी मसाले नहीं डाले सिर्फ नमक मिर्च और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारे हाथ में जादू है. वो हमेशा उनको खाना मेरा अच्छा लगता है लेकिन उन्होंने बोला आज तो बहुत खाना अच्छा बना जिसमें कुछ भी नहीं था. और आज दिन भर मैंने बात नहीं की तो वो तो खुशी हो गए होंगे तो लेकिन उन्होंने भी मुझे कोई भी बात बोली नहीं कि ये करो ये नहीं करो मुझे अभी भूख लग रही है कुछ भी नहीं या मैंने जाना है. एंड फॉर पास्ट फ्यू डेज
well, he's not here. So whenever I finish all my work, again, first time in life, he started doing dishes. And he, even when I'm doing it, he will say, you have done enough, I'll do it. And mujhe wo pehle pehle nahi achha laga, but I said, like, when he's enjoying it, he thinks that he's helping me. And so there are quite a few changes in our life. And I think, aaj ki main baat karun, to first time, I didn't feel my body today. I was doing everything, but I felt very light. And I didn't have anything like, जैसे मैं हमेशा अपने आप को बहुत strictly खींच के कराती हूँ काम, वो नहीं हुआ. I felt very light and almost I didn't feel my body. तो आत्मा अभिमानी किसे कहते हैं, वो आज मुझे पहली बार समझ आया. We say always मैं आत्मा हूँ, या but I didn't feel exactly it, and it's very difficult to express how I felt. But it was almost like very light, very invisible kind of a thing, but still very cheerful. And I won't say thank you. I don't want to give it a very formal thing, but I think all of us are helping each other to go to next level or whichever, wherever our, we want to go. So I would say I'm very grateful to find my parivar. And I'm very thankful to God. I'm very grateful that everybody in my life, whoever has come so far, have helped me to grow. And this growth, which is going what do I say? I don't know which level it's going. So whoever is at the Nimit Behne, and I think it's not only teachers, but even behne otherwise jo hame join karte. Aaj today maine Jyoti behne ko miss kiya shayad. Unki baat maine suni nahi. So I hope she's okay. And like Neera behne, I learned from these people too, knowingly, unknowingly. So yes, I'm very grateful to have this parivar. And I'm very excited now to see where I go from here. And thank you, Aishali Ben, to tell me not to take break. You would have missed this board otherwise, right? No, this I wouldn't have missed anyways. But kuch to change aata tha, shayad. Yeah. So, aur kisi ko share karna hai? Aishali Ben, main karu? Haan, bolo Ben. Haan, bolo na. 18 जनवरी वैसे हर साल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मेरा रिश्ता कुछ अलग ही है. शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही देखा है, महसूस किया है, पर हमेशा यही महसूस किया है कि जब भी मैंने कोई डिसीजन लिए है तो मैंने दोनों बाप दादा के आंसर्स मैंने बाबा की आंखों से पाए हैं. हमेशा कभी भी मैंने कोई भी क्वेश्चन बाबा से किया है, बाबा की आंखें मेरे से बोलती हैं. और बाबा, मैं कभी भी मेडिटेशन में बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कभी नहीं ये करती, डायरेक्ट परमधाम गई सिर्फ लाइट, ये मेरे से होता ही नहीं है. मैं हमेशा पहले ब्रह्मा बाबा से पावर लेना ये, और फिर परमधाम. आज मैंने बाबा का, वैसे तो हम सूक्ष्म वतन में जाकर के ब्रह्मा बाबा के साथ मिलते, पर जैसे दोपहर का मेडिटेशन चल रहा था तो बाबा का फेस, जैसे बाबा का फरिश्ता स्वरूप लाइव, मैंने ऐसे में यहाँ बैठी और मैं सामने देख रही हूँ कि बाबा लाइव मेरे सामने है. सो वो एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था. और बाबा हमेशा आंखों से मेरे साथ बात करते, ये बात मुझे बहुत शुरू से अच्छी लगती है. और बाबा का एक गाना गीत है, आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग. मैंने जब कोर्स किया था, जब ही सुना था, तो मेरी एक आदत थी कि जब मैं रात को सोने से पहले सब लाइट्स वगैरह ऑफ कर रहे हैं ऐसा, तो पहले तो कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, पर टेप रिकॉर्डर था और उसमें कैसेट होती थी, तो मैं सारे डोर्स वगैरह सब ओपन कर देती थी
फुल वॉल्यूम पे वो गीत बजाती थी, रात के 9:30 हो 10 हो, मैं और ऐसा अनुभव करती थी कि ये सब जो सो रहे हैं ना, तो ये सब जागे। और ऐसे मेरी आदत थी थोड़ी, जब तक मैं गुजरात में थी तब मेरी आदत, उस घर में थी तब तक मेरी आदत नहीं जाती थी। तो या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू वैशाली बहन, थैंक यू हेमा बहन। तो ये एक्चुअली द थिंग इज कि यही बाबा को हमारे अंदर की, हमें नहीं पता था ना, आप लोगों को नहीं पता था कि यू कैन पुल इट ऑफ दिस मच, राइट। अंदर की जो प्रतिभा जो है हमारी, हमारी अंदर की कैपेसिटी जो है, तो आपने कई अभी तक तो कितने सीनियर्स के अपने अनुभव सुने ना, तो बाबा वो कहते थे। तो देखो ये कोई वैशाली बहन बोलती है या हेमा बहन बोलती है या रूपाली बहन बोलती है या फलानी बहन बोलती है, अगर इसमें जाएंगे ना तो कभी ग्रो नहीं होंगे, ये मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ। भगवान ने जिसको निमित्त बनाया है, जिसको बिठाया है और उससे प्रोग्राम आ रहा है, उसे फॉलो करते हैं, तो वो बाबा हमारे लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वो मैंने अपने अनुभव में ये मैंने देखा है। और हम अगर हमें भी ऐसे संकल्प आते हैं तो हम नहीं मानते कि हमारा संकल्प है, मेरा आइडिया है, दिस इज नॉट माय आइडिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो 9 से 11 बजे का जो मेडिटेशन था ना, मेरे पास आइडिया, मतलब मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे ना, मेरा गीत रेडी था ना, कमेंट्री रेडी थी ना, ही मेरा मधुबन के सीन्स रेडी थे। मैं बोलती जा रही थी और पीछे बैक स्क्रीन में वो देख, बाबा मुझे बोल रहे थे अभी ये देख, अभी ये देख, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई बोल रहा है, अभी ये चला, अभी ये गीत चला। तो वो कोई मैं फुल प्रिपरेशन करके कोई प्रोजेक्ट कर लेके नहीं बैठी थी, लेकिन जब मैं बैठी तब बाबा ने मुझे ये जैसे मुझे कोई कह रहा है अभी ये दिखा, अभी ये कर, अभी ऐसा दिखा। और मैं टाइप करती जाती हूँ और चीजें मेरे सामने आती जाती है। मैंने कोई गूगल सर्च नहीं किया था, कोई टू मच सर्चिंग नहीं किया था, कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। तो भगवान को जो आत्माओं को अनुभव कराना होता है तो ये सिर्फ आंखें और उंगली या काम करती है, बाकी कराने वाला वो है। और मैं, मुझे ये मेरे जीवन का अनुभव है, जब मैं खाली होके बैठ जाती हूँ तो मेरे हाथ चलते हैं, मेरे उंगलियां चलती है, मैं कुछ ढूंढती हूँ, मेरे सामने कुछ आ जाता है। फिर एक बहन ने मुझे बोला कि बहन वो आप जो म्यूजिक बजा रही थी वो आप मेरे को दो ना, मैं ढूंढ रही हूँ अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है वो, क्योंकि अभी मुझे बैठ के मेरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा मैंने क्या बजाया था, राइट। तो ये शुभ भावना होती है बाबा के बच्चों की। और मुझे ऐसा है कि जो मैंने प्राप्त किया है, जो मुझे पता है कि बाबा जिस तरह से आत्माओं को उठाते हैं, तो पुरुषार्थ है कि हम भले ही इस परिस्थिति में है या व्हाटएवर व्हाटएवर व्हिच लिमिटेशन वी आर इनटू, लेकिन वो जो है वो आप सभी को मिले, आपको सभी को वो बाबा की पालना मिले, वो सीनियर। अभी दादी दीदियां तो आई डोंट नो जब तक हम जाएंगे कितनी मिल पाएंगे आपको, लेकिन इस तरह से 101 है ना, वहां पे भी क्लासेस में बैठेंगे तो कौन से आप बैठेंगे, शांति वन में 10,000-15,000 लोग होते हैं, ये बहनों को आपके पास ऐसे गप्पा मारने को तो टाइम नहीं होता है, जिस तरह से ऐसे गप्पे मार रहे थे आज हम नलिनी दीदी से, यू नो, ऐसे अंताक्षरी ऐसी सब बातें तो नहीं करते हैं बहने। तो मैं तो कहती हूँ कि दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो ये अच्छी बात है कि हमें ये मौका मिला है। तो अच्छा है जब बाबा के घर से प्रोग्राम आता है और हम पूरी निष्ठा से करते हैं तो बाबा जरूर अच्छे अनुभव कराते हैं, है ना। तो मैं जैसे मैंने शाम दोपहर में भी कहा था, मुझे हेमा मैंने बोला तुम बहुत फोर्सफुली कराती हो, मैंने बोला मुझे जो बाबा ने संकल्प दिए है मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को घर पे जाके तो पकड़ नहीं रही हूँ। आप करो। लेकिन ये एक, और जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो जो स्केड्यूल देखा था ना, तो तभी संकल्प आया था कि ये करना है 18 जनवरी को, ये करना है। तो ये अंदर से फोर्स आया कि बस ऐसे ही करना है, वही अनुभव कराना है। तो ये एक दिन का है, तो अभी और थोड़ा 1.5 दिन का करेंगे। आपकी अभी क्या है कि जो है धीरे धीरे खींचेंगे,
राइट, अगर ऑनलाइन 4 दिन तक 5 दिन तक बैठ सकते हैं और कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं स्ट्रेच कर करके, तो फिर यहाँ के लिए हमारे लिए काम इजी हो जाता है. अभी ये सब ट्रेंड है, ओके नो प्रॉब्लम, राइट. फिजिकली आएंगे तो नो प्रॉब्लम फॉर अस, नो वर्क फॉर अस. ओ बाहर क्यों जा रहे हो, क्यों घूम रहे हो, किससे बात कर रहे हो, चलो बैठो, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी ट्रेंड हो जाएंगे. हाँ ऐसा होता है, मधुबन में टीचर्स जो है बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको बोलना पड़ता है कि नहीं आप बच्ची में आए हैं, घूमने नहीं आए हैं, माउंट आबू कोई हिल स्टेशन नहीं है कि घूमने आए हैं, तो आपको क्लास करना है योग, क्योंकि क्या है बुद्धि को भटकने की आदत है ना, तो वो हो जाता है. लेकिन अगर हमने ऑलरेडी इस तरह से अपने आप को कंडीशनिंग की है, ब्रेन वायरिंग की है, तो वो आपको हेल्प करेगा. और किसी को करना है वरना आप वैशाली बहन, गीता गीता दीदी इज राइट. जब तक आपका मेडिटेशन था तब तक मैं थी, फिर थोड़ी अभी हेल्थ का थोड़ा चलता है तो हुआ, पर आज बिफोर योर मेडिटेशन मैं और कांति भाई बहुत रोए कि क्या हम ये क्या हो गया और हमने क्या क्या पाया. तो फिर वैसे हम दोनों इतने इमोशनल हो गए कि कुछ पूछना नहीं. फिर वो बोले कि ज्योति देखो एक कैसा उन लोगों ने किया कि पहले हमें ये जनवरी का महीना सब दीदियों को टर्न बाय टर्न हमें इंट्रोड्यूस करवाया, क्या किया है सब दिखाया, फिर बाबा का तो ऐसे मुरली में दिखते हैं सुनते हैं, फिर वापस ये सब कमरा वगैरह सब इतना ऐसा दिखाया कि हमको ऐसा ही लगा कि हम बैठे. फिर हम दोनों ने सोचा कि लाइफ में कितना हमारा चेंज आ गया, तो ये पॉसिबल था ही नहीं. और इतना तो मन में से अभी हमारा लग गया है कि बाबा ने बोला कि लेट तो कुछ है ऐसा तो सोच भी नहीं आती, पर ऐसा लगता है कि हम कितने नजदीक आते जाते रहे हैं, कितने नजदीक नजदीक जाते रहे हैं. और सर्टन थिंग्स तो बिलीव नहीं होती है कि, पर आज बाबा का पर्सनल उनका आवाज सुना और बाबा ने जब भी बोला कि ये सब सतयुग का जाना है वगैरह, तो मैंने बोला ओ बापरे ये तो अभी बाबा ऐसे ही तो मुरली में साक्षात बोलते, पर उसके जब वॉइस सुने हम बहुत रोए कि आज तो हम बाबा को मिले ही गए, मिल गए बाबा आज. तो इसलिए आज मुझे थोड़ा आई वॉजंट फीलिंग गुड, तो अभी थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं. और कांति भाई तो ऐसे ज्यादा उसका थोड़ा लिखने का होता है, बोलना थोड़ा ऐसा होता है, बट इट वॉज अमेजिंग. एंड आज तो एस गीता बेन सेड के वी रीच समवेयर वन स्टेप फॉरवर्ड, ऐसा तो लगता ही है. आज हमको ये जनवरी 18-19 का तो एकदम बेस्ट, 2 दिन का तो एकदम से बेस्ट, ज्यादा 2 दिन का, और आज का तो कमाल कमाल कर दिया. जी बहन, मैंने आपको आज दिन भर तो याद नहीं किया था, मैंने बोला कि मैंने मिस किया, वो उस टाइम पे मुझे मुझे मन में आया कि आज ज्योति बहन की आवाज नहीं सुनी. Yeah. और तो शायद और भी कोई आपको मिस किया आज. और मुझे आपकी बात अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि मैं खुद कभी अपने इमोशंस शो नहीं करती, रोती तो बिल्कुल नहीं किसी के सामने, रोना बंद होता ही नहीं है, रोना ही आ जाता. अगर मैं रोई तो बाथरूम में जाके रोती हूँ, मैं किसी के सामने रोती नहीं. तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि आप बहुत फ्रीली आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो गुण है. रोना नहीं कहते हैं इसे, रोना नहीं, जैसे आप खुशी से बोलते हैं लेकिन बोलते हैं, वैसे मैं अपने इमोशंस बता नहीं सकती. तो मुझमें जो मैं शायद देखना चाहती हूँ या कमी है वो मुझे आप में दिखती है शायद. क्योंकि आज मेरी लड़की ने भी बोला और मैंने कांति भाई को आज सुबह में बोला कि मुझे दिल से आपको शुक्रिया करना है कि सच में मेरे साथ
It is grace, Baba Ji ki. He is with me, including cooking mein bhi. Carrot to shred karke de diya. Chalo, main shred karta hu. Tum ye dalo. Maine bola ki it is just amazing ke Baba ne mujhe saath mein jod diya. Uski to mujhe aur khushi hai. Kyunki jo bhi mujhe thoda kuch karna hai, to he is helping me behind. कि चलो ये फोन करना है, ये कितने लोगों को करना है, तो इट्स जस्ट गुड कि ही इज विथ मी लाइक दिस, तो वी कैन डू इट डबल. एंड ये मुझे बहुत, बाबा जी को मैं रोज बोलती हूँ शुक्रिया बाबा, रोज सुबह में कि हम दोनों हैं तो हम फास्ट, हमारी पेस फास्ट फॉरवर्ड जाती है. थैंक यू ज्योति बहन. मुझे कुछ और कुछ कहना है. सुबह को दीदी ने कहा था ना कि स्मृति दिन के साथ साथ समृद्धि दिन बनाओ, तो वो मैंने पकड़ लिया था आज. तो मैंने कल बोला कि आज तो छोड़ना नहीं है, और ये सबकी समृद्धि देखकर मुझे बहुत खुशी होती है. थैंक यू सो मच. ओम शांति. तो अभी आपको सिस्टर मेरा एक क्वेश्चन है. बोलो. अभी आज 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 ही पूछा जा सकता है, इसलिए पूछती हूँ कि वैसे तो हमें पता नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा, कैसे होगा नेक्स्ट बर्थ, लेकिन ये परिवार जो एक परिवार साथ साथ में पलता है, क्या वो लोग साथ साथ में रहते हैं सतयुग में? साथ साथ में आते हैं. अच्छा. yes. मैंने एक बार क्लास में बोला तो था, नाउ यू आर स्टिक विथ मी. तो ये परिवार. दीदी थैंक्स बोलना है तो आओ तुम सब लोग. नोवाटो अनुभूति में सब लोग आओ मिले. क्या बोल रहे हैं? हमने कहा नोवाटो अनुभूति में सबका है बुलावा है, सब आए तो अच्छा लगेगा ना, परिवार इकट्ठा होगा. आएंगे ना इस साल में आएंगे. थैंक्स बोलना है. हाँ दक्षा बोल रही हूँ. कैसा रहा बहन आपका अनुभव? अच्छा रहा? बस अच्छा रहा, सब ठीक ठाक हो गया. मेरी बहन है उसने भी हेल्प कर दिया. बीच में गेस्ट आ गया थोड़ा मेरा, आपने देखा होगा कैमरा में, थोड़ा मेसअप हो गया. कोई बात सारा, हाँ सारा दिन के लिए किया था पर थोड़ा मेसअप हो गया बीच में. आपका शांति. थैंक यू. थैंक यू. ओम शांति. हेमा बहन को सबको है, सब फैमिली वाले को सबको थैंक्स. ओम शांति. और वैशाली बहन आपने बताया था वो दिन के ज्योति बहन नाचती है, स्वर्ग की बात आई, स्वर्ग की एंट्री की बात आई, तो और फिर सच में मैं तो नाचती थी कि चलो जब ही मेरा रोड अभी मुझे मालूम पड़ गया कि आई एम देयर, तो अभी अभी जल्दी जल्दी सब करूंगी साफ. तो फिर शाम को जब ही जयंती बहन का क्लास था ना, तो उन्होंने भी अफर्म किया कि स्वर्ग है, मैं ही है, जाना ही है. तो मैंने आपको याद किया किसी अभी अब तो हमारी सभी बहनों सभी की एंट्री पक्की हो गई है. चलो अभी मिलेंगे. अभी हम छुट्टी ले, किसी को कहना वरना हम छुट्टी लेते हैं. थैंक यू.